जब गुजरात पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तब तुम्हारा अवस्थी होम में से ऑर्डर लेकर आया था, फिरोज आईबी को चाहिए। कुछ भी बोले बिना हमने ये आदमी तुमको सौंप दिया। इस ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है। अब जब पता चला है कि इसने बॉम्ब प्लांट किए हैं तो तुम इसे हम पर थोप रहे हो। हमने फिरोज को तुमको सौंप दिया है, अब हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। फिरोज से तुम डील करोगे और बॉम्ब को डिफ्यूज करोगे। हम लोग तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर इसने हमारे शहर में एक भी परिंदा मारा ना तो मैं तुमको और अवस्थी दोनों को उल्टा टांग दूंगा, समझे। ये स्टेट अभी सीएम का स्टेट नहीं है, बल्कि होने वाले पीएम का स्टेट है। जो भी करना है सोच समझ के करना, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू विल बी अकाउंटेबल। गॉट इट सर। और हाँ, एक बात और, जिस तरह तुम फिरोज की बात को अंडरकवर रखना चाहते थे, वैसे ही हम भी इस बॉम्ब की बात को अंडरकवर रखना चाहते हैं। पब्लिक को, मीडिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे कमिश्नर। अपने एटीएस और मिलिट्री के लोगों को बुला लो और बता सर को हेल्प करो और मुझे बताते रहना। रंजन, तुम यहाँ छोटा सा एक कमांड सेंटर सेटअप रेडी करो। मुझे एक व्हाइट बोर्ड चाहिए और मुझे एक अहमदाबाद का मैप जिसमें सारे सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स क्लियरली दिखाई देते हों। एक ट्रैफिक ऑफिसर अपने साथ रखो जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। और हाँ, मुझे बॉम्ब स्क्वाड की 4 यूनिट्स चाहिए पेट्रोलिंग वैन के साथ, और उन्हें पूरे शहर में पेट्रोलिंग पे लगा दो। हम इस मिशन में आर्मी की हेल्प नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आर्मी की हेल्प लेने के लिए हमें हाई कमान से, हाई अथॉरिटीज से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी मिशन अंडरकवर नहीं रह पाएगा। और हाँ, डिफ्यूज बॉम्ब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल व्हीकल का इंतजाम करो। और हाँ, कोई भी हैवी व्हीकल सिटी में घूमने नहीं चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़कर सारी व्हीकल्स को बैन कर दो। पिक